इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके अपने क्षेत्र में बंद होती कोयला खदानों को लेकर पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में पेंच और कन्हान के 5 में से 4 कर्मचारी संगठन उनके समर्थन में उतर आए हैं, जो इस यात्रा में सहयोग करेंगे। रामपुर तांसी से हिंगलाज मंदिर तक लगभग 48 किलोमीटर यह यात्रा निकाली जा रही है, जो 29 से 30 जनवरी तक होगी। इस संबंध में मंगलवार को होटल देव में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने बताया कि पिछले 20 सालों में पेंच और कन्हान की 42 खदानें बंद हो चुकी हैं। केंद्र और भाजपा की डबल इंजन सरकार कोयला खदानों को बंद करने में लगी हुई है, जिसके चलते कोयलांचल उजड़ने लगा है। कोयलांचल को उजड़ने से बचाने तथा कन्हान कोयला क्षेत्र को न्याय दिलाने के लिए वे अब 2 दिवसीय पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा में श्रमिक संगठन भी शामिल होंगे। 15 मुद्दों को लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छिंदवाड़ा में आयोजित करी, और छिंदवाड़ा में आयोजित करने का कारण ये था कि आज जो छिंदवाड़ा चलता है वो पेंच और कन्हान के कारण चलता है। अरबों रुपए का व्यापार साल में हमारे पेंच और कन्हान के लोग यहाँ पर आके और खरीदी करके और यहाँ की रौनक बढ़ा के जाते हैं। तो आज यहाँ करने का उद्देश्य मेरा ये था कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के लोग भी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के पत्रकार साथी, जनता जनार्दन उस आंदोलन में शामिल हो, जिससे कि छिंदवाड़ा भी बचा रहे। सिर्फ पेंच और कन्हान बंद होगा तो उसका असर सिर्फ पेंच और कन्हान में नहीं होगा, उसका असर छिंदवाड़ा शहर पे भी पड़ेगा, गंज में पड़ेगा, व्यापारियों पे पड़ेगा, अखबार पे पड़ेगा, मीडिया पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। आंदोलन की एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे ही मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की बातचीत करी, 4 संगठनों ने हमें आज साथ में उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने समर्थन पत्र मुझे सौंपा, और पूरे सदस्यों के साथ, पूरे मजदूरों के साथ वो यात्रा को सहयोग करेंगे और इस लड़ाई को रोड से लेके, अब रोड पे तो हम चल रहे हैं, इसको कोर्ट तक, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से हम इस लड़ाई को कोर्ट तक लड़ेंगे और क्षेत्र को बचाने की दिशा में काम करेंगे। असम के मंदिर में प्रवेश करने से रोके गए राहुल गांधी की घटना को लेकर आज शहर कांग्रेस ने फब्बारा चौक पर असम मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता प्रेरक सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। करोड़ों भारतीयों को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशीले नारे देकर आज़ादी की लड़ाई की धार को तेज किया था। पराक्रम दिवस पर नेताजी की आज 127वीं जयंती पर भारत विकास परिषद द्वारा सुभाष टापू छोटे तालाब में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एसपी विनायक वर्मा, एडीएम केसी बोपचे एवं समाज सेवियों और भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आज की पुण्य अवसर पर जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद कर रहे हैं, उनके इतिहास को बारीकी से पढ़ने की हमें बहुत आवश्यकता है और उससे जो इम्पोर्टेंट हमें सीख मिलती है उसको बार बार याद करने की आवश्यकता है। बिना ज़्यादा विस्तार में जाए हुए मैं यही कहना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप सिस्टम में हैं लेकिन सिस्टम में आपको दिक्कत दिखती है या गड़बड़ी दिखती है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने की हिम्मत रखना और अपना पक्ष रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को देर रात तक शहर में धूम मची रही। इसी क्रम में मोबाइल एसोसिएशन द्वारा मानसरोवर के सामने देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने देर रात तक राम भजन और देवी गीतों के भजन गाए। इसके अलावा पिपलेश्वर हनुमान मंदिर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने देर रात को भव्य आतिशबाजी की गई, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। Yeah.
अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके उपलक्ष्य में पूरा देश खुशी मना रहा है। उस खुशी की झलक झलक हमने भी थोड़ी थोड़ी यहाँ अपने हृदय से छलकाई है। जय श्री राम। नगर निगम के राजस्व निरीक्षकों द्वारा विभिन्न वार्डों में कर जमा नहीं करने पर प्रतिदिन नल कनेक्शंस काटने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कुकड़ा जगत जोन के वार्ड क्रमांक 3 में 2 नल कनेक्शंस काटे गए। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585888 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। नाबालिग से ज्यादती के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के न्यायालय ने आरोपी कल्लू उर्फ अर्जुन को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती गंगावती डहरिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव एवं AGP पंकज श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2019 को पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने नाबालिग को अकेली पाकर उसके साथ गलत काम किया। परिजनों को जानकारी लगने पर आरोपी मौके से भाग निकला। बाद में पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। परिवहन विभाग द्वारा लगातार जिले की सीमा पर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में RTO द्वारा दमोह सारणी मार्ग पर वाहनों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें 2 वाहनों से 5,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं एक मालवाहक पर बिना फिटनेस चलाए जाने पर दमोह थाने में जब्त कर लिया गया। इसके अलावा एक यात्री बस को परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर RTO कार्यालय में जब्त कर लिया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युवा भाजपा नेता शंटी बेदी द्वारा श्याम टॉकीज स्थित श्री राम मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।